हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत एग्रीटेक ऑयल मशीन के बारे में। जी हां दोस्तों, जिसे आप कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के नाम से जानते होंगे। दोस्तों, ये मशीन जो है वो यूट्यूब पे काफी पॉपुलर है। कंपनी का दावा है कि ये मशीन जो है वो एक ही बार में तेल का निचोड़ कर देती है, और साथ ही साथ कंपनी का ये भी दावा है कि जो इसका ऑयल है वो काफी ठंडा निकलता है बाकी मशीनों के मुकाबले। तो दोस्तों, इन सारे बातों सुनकर कस्टमर जो है वो काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी भी, और काफी आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी मशीन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मशीन को लेना चाह रहे हो या फिर लेने का सोचा है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को इस मशीन की पूरी जानकारी बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मशीन को लेना चाह रहे हो तो हो सकता है ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी वरदान हो जाए, और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो जाए। तो चलिए, आज की वीडियो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये भारत एग्रीटेक ऑयल मशीन जो है, कोल्ड प्रेस मशीन जो है, वो लातूर महाराष्ट्र की कंपनी है, जो कि दोस्तों 7.5 HP से लेकर 30 HP तक बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहले जो हमारी मशीनें आती थी वोल्ट सिस्टम, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, या फिर जो अभी बीच में लॉन्च हुआ था पत्ती वाले सिस्टम, 32 पत्ती, 28 पत्ती। तो दोस्तों, इसका जो सिस्टम आता है वो HP सिस्टम में आती है। जैसे अगर आपको इसको खरीदना होगा तो आप इसमें HP सिस्टम का डिमांड करोगे कि कितना HP सिस्टम आपको चाहिए, 7.5 HP चाहिए, 10 HP चाहिए या फिर 15 HP चाहिए। तो इस तरह से ये 30 HP तक बनाती है दोस्तों। तो इनमें से अगर आप जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, आप HP सिस्टम में इसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, इस मशीन में सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो मशीन है वो 10 HP और 15 HP है, क्योंकि हम जैसे मिडिल फैमिली वाले लोग कस्टमर के लिए ही लेते हैं या फिर खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो ज़्यादा HP तक डिमांड करती है, जो खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, बड़े कंपनी बनाना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेलिंग होने वाला है दोस्तों, वो 10 HP 15 HP है, क्योंकि जितने भी लोकल में आपने देखे होंगे वो 10 HP 15 HP तक ही चलाते हैं दोस्तों। तो ये 10 HP 15 HP तक की ज़्यादातर सेलिंग होने वाले मशीन है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा डिमांड चाहते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो दोस्तों, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी वो HP सिस्टम लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 10 HP मोटर की। 10 HP मोटर जो मशीन हमारी जो आती है, उसकी लंबाई जो है वो 5 फीट होती है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 4.5 फीट होती है दोस्तों। अगर आपका 10x10 का भी कमरा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका से ये शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। वही अगर हम बात कर लें 15 HP मोटर की, तो 15 HP जो मोटर हमारी सिस्टम जो मशीन आएगी वो हमारी 5.5 फीट इसकी हाइट रहेगी। वही अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 फीट रहेगी। ये भी अगर आपकी 10x10 का कमरा है या फिर 10x12 का कमरा है, उसमें ये काफ़ी आसानी तरीका से शिफ्ट हो जाएगी दोस्तों। आपको ढेर ज़्यादा कमरे की रिक्वायरमेंट या फिर बड़े शॉप की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप खुद का मशीन केवल स्पेलर लेकर ही चालू करना चाहते हैं किसी चौक चौराहे पे, तो भी आप लेकर इसे चालू कर सकते हो। ज़्यादा बड़े कमरे की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, ज़्यादा बड़ा आप शॉप भी नहीं लोगे तो भी चलेगा दोस्तों। वही अगर हम इसकी केजी की बात कर लें कि इसका कितना केजी वेट होता है, तो इसका वेट जो है 10 HP की अगर हम बात करें तो 10 HP जो है वो 4.5 टन है, यानी कि 450 KG तक इसकी वजन है दोस्तों 10 HP की। वही अगर हम बात कर लें 15 HP की, तो 15 HP की जो वजन है दोस्तों वो 5.2 टन है, यानी कि 520 KG तक इसका वेट है दोस्तों। वही अगर हम बात कर लें इसकी पेराई कैपेसिटी की, तो दोस्तों 10 HP की जो कंपनी दावा करती है पेराई कैपेसिटी, वो 150 KG तक पेराई कैपेसिटी वो बताती है दोस्तों। बट ऐसा नहीं है, इसकी पेराई कैपेसिटी जो है दोस्तों वो 120 KG तक ही है दोस्तों। वही अगर हम 15 HP की बात कर लें, तो 15 HP में भी कंपनी क्लेम करती है कि 200 KG तक इसकी पेराई कैपेसिटी है, बट ऐसा नहीं है, इसका 150 KG तक पेराई कैपेसिटी है दोस्तों। दोस्तों, मैं अपने की ओर से ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक बंदे ने इस मशीन को खरीद के अपने शॉप पे लगाया है, जो कि 10 HP का है, उन्होंने ये बताया था दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, सरसों पर भी डिपेंड पड़ता है कि सरसों आपका कौन सी है, पीली है या फिर काली है, उसके बेसिस पे ये पेराई कैपेसिटी अप डाउन होती है दोस्तों। दोस्तों, काली वाली जो सरसों होती है उसमें आप लोगों को थोड़ी सी पेराई कैपेसिटी अधिक प्रोडक्शन मिलेगा घंटे में, बट वही अगर पीली वाली रहेगी तो पीली वाली को थोड़ा कम देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पीली वाले को पेराई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। वही अगर हम बात करें दोस्तों इसकी तेल की निचोड़ की, तो कंपनी का दावा है कि ये मशीन जो है वो तेल का निचोड़ एक ही बार में कर देती है, यानी कि सरसों की पेराई जो है वो एक ही बार में कर देती है। बट कितना सच है
एक छोटी सी वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए। ये एक बार का, ये दो बार का। अच्छा, ये देखिए दो बार वाली है, थोड़ी सी इसमें काली काली नजर, मतलब हल्की इसके, ये हल्की सी काली है, देख लीजिए, ये तो लाइव है, इसमें ये एक बार का, ये दो बार का। देख तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि तेल जो हो एक बार में ही नहीं, इसको दो बार भी निचोड़ कर फ्राई किया जा सकता है। दोस्तों बस इतने फर्क ये रहेगा कि आपका तेल जो है थोड़ा शुद्ध यानी कि साफ में नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज खल में रह ही जाता है जो कि हम निचोड़ करके निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद का भी काम करोगे तो भी लॉस सहना पड़ेगा आपको, और वही अगर आप कस्टमर का काम करोगे और एक ही बार में उसे निचोड़ करके दे दोगे तो भाई वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए 300-400 ऑयल उनके लिए काफ़ी मायने रहता है दोस्तों। उतना ही अगर आप कम उसे तेल देते हो तो अगले बार उसके पास फीडबैक खराब हो जाएगा, आपके पास हो सकता है वो नहीं आए। दोस्तों ये मशीन में जो है वो आपको 90-95% तेल जो है वो एक ही बार में निचोड़ कर देती है, बट दोस्तों 5% तेल जो है वो बच जाती है। तो आप इसे जब भी लेते हो या फिर ले रहे हो तो मेरा मानना रहेगा कि इसे आप दो बार में ही निचोड़ कीजिए, कस्टमर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और उसका फीडबैक जो है आपको काफ़ी अच्छा देंगे। तो दोस्तों इसे दो बार निचोड़ करने से ये प्रॉपर, आप ये जान लीजिए कि इसे दो बार ही निचोड़ करने पर ये मशीन जो है प्रॉपर तेल का निचोड़ बना पाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मशीन की मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस जो है दोस्तों केवल पत्ती और बारम की है, क्योंकि ये जो मशीन है काफ़ी हैवी लोखन में आती है, तो लोखन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेंटेनेंस का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पत्ती और बारम की है, जो कि हर मशीनों में ये चीज़ होती है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसे 7-8 घंटा रोजाना चलाते हो तो आपको साल में एक बार बारम को चेंज करना होगा। वही अगर हम बात करें पत्ती की, तो पत्ती जो है दोस्तों आपको 3 साल में एक बार चेंज करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑयल को लेकर, क्योंकि कंपनी जो दावा करती है इस मशीन में जो ऑयल जो निकलती है वो ठंडी निकलती है दोस्तों। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, जी हाँ, इस मशीन में ऑयल जो है वो ठंडी निकलती है। ठंडी कैसे निकलती है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मन में डाउट आ रहा होगा कि जो मशीनें होते हैं उसमें सारे में गर्म तेल निकलते हैं यानी कि गर्म ऑयल निकलती है, तो इसमें ठंडी कैसे निकलती है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों। आप लोग को मैं बता दूँ कि जो हमारी पुराने मशीनें हैं या फिर जितने भी मशीनें बने हुए हैं उसमें आप देखे होंगे कि सरसों जहाँ से गिरती है यानी एंट्री लेती है नीचे, वो जाके एंड पोजिशन में या फिर बीच का पोजिशन में निचोड़ बनाती है, जबकि ये मशीन बिल्कुल भी उससे बहुत ही हटकर है। ये मशीन में जैसे ही सरसों नीचे एंट्री लेती है वहीं पे इसका निचोड़ बनाती है, जिसके कारण सरसों जो है वो हिट नहीं हो पाती है और तुरंत निचोड़ बना देती है, जिसके कारण ऑयल जो है वो ठंडा ही रहता है दोस्तों। दोस्तों इस मशीन में एक कमी है जिसके बारे में आप लोग को जान लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मशीन में एक थोड़ी सी कमी है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कमी ये है कि दोस्तों इसका जो खल पतला होने के कारण मशीन जो है जब तेल का निचोड़ बनाती है तो इसमें पतला खल होती है बिल्कुल पेपर की तरह, और पेपर की खल जैसा बनाने के कारण इसकी जो झाग है यानी गाद जो है वो थोड़ी अधिक मात्रा में निकलती है दोस्तों। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये मशीन को जो खरीद रहे हो तो आप लोग अगर 3-4 घंटे यूज करने के बाद या फिर दिन भर यूज करने के बाद इसे आप शाम को या फिर सुबह फिर स्टार्ट करते हो, उस टाइम इसे एक बार जरूर साफ कर लीजिए ताकि आपका मशीन जो है प्रॉपर साफ सुथरा रहे। और दोस्तों अगर आप साफ नहीं करते हो तो हो सकता है ये मशीन जो है वो जाम ले ले, फिर आपको बारम को खोल के फिर से सेट करना पड़ सकता है, तो इन बातों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप मशीन में फ्यूचर खोजते हो तो कुछ ना कुछ कमी भी रहती है दोस्तों, हर चीज़ आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो कमी इसमें बस इतना ही है झाग आने की। तो झाग आने की समस्या हर किसी मशीन में होती है, बस इसमें थोड़ी सी अधिक है इसलिए क्योंकि इसकी खल जो है वो बिल्कुल पेपर की तरह बनती है, तो थोड़ा झाग अधिक निकलेगी। दोस्तों आपने भी देखा होगा या फिर कई लोग भी देखे होंगे जो व्यक्ति पुराने चला रहे होंगे, या फिर आप उसे जाके पूछिएगा तो आप लोग को मिलेगा वो चीज़ फीडबैक। अगर आप उसमें भी पतला खल बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, लेकिन उसमें झाग थोड़ा अधिक निकलेगा। तो सेम प्रोसेस इसी में भी है, अगर आप इसमें पतला खल निकाल रहे हो तो झाग जाहिर सी बात है निकलेगा ही निकलेगा, और अगर आप इसको फिल्टर भी ले लेते हो भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल्टर होने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि फिल्टर होने के बाद आपका शुद्ध ऑयल निकलेगा, लेकिन झाग जो निकलेगा दोस्तों वो आपको साफ करती रहनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस मशीन की वारंटी गारंटी को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों का मन में डाउट रहता है क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने से लिए।
दोस्तों मेरा मानना रहेगा कि अब स्टार्ट करना चाह रहे हो तो स्टार्ट करो, लेकिन डरो मत, ठीक है। वारंटी गारंटी की अगर बात कर ले तो दोस्तों आप लोग को इसमें मशीन में गारंटी नहीं मिलता है, बट एक साल की वारंटी मिलता है, जो कि आप लोग को कोई भी दिक्कतें होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप इसे कॉल के जरिए या फिर वो वहाँ पे आके आपको सलूशन कर देंगे। दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर इस मशीन को ख़रीद रहे हो ना तो आपको प्रॉपर कंपनी जो है वो गाइड कर देगी कैसे चलाना है, क्या कुछ करना है, किस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, जो बेसिक से पॉइंट है वो आप लोग को डिक्लेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये बातों को ध्यान में रखिएगा, आप लोग को एक साल की वारंटी मिल जाता है, आप इसे खरीदते हो तो बेसिक खरीद सकते हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन को प्राइस को लेकर, क्योंकि प्राइस में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो दोस्तों अगर आप इस मशीन के प्राइस की बात करें, अगर 10 HP की आप लेते हो, 10 HP मोटर के साथ मशीन लेते हो तो 4 लाख आप लोगों को पड़ जाएगी प्लस GST और ट्रांसपोर्शन चार्ज अलग से। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा 10 HP की जो कीमत है वो 4 लाख प्लस GST जो लगेगी और प्लस आपका ट्रांसपोर्शन चार्ज, यानी कि जो वहाँ से आएगा उसका चार्ज। वही अगर आप 15 HP की लेते हो तो 15 HP की जो रेट है वो 5.25 हज़ार, यानी कि 5,25,000 प्लस GST और ट्रांसपोर्ट चार्ज। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग को बताना चाहूँगा ये जो मशीन है दोस्तों विद इन आपको 10 to 15 डे के अंदर अंदर पूरे घर तक डिलीवरी हो जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर बने रहें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।